होटल राजमहल एपिसोड 89 एक और नई मुसीबत। दिलीप को काबू में करने के लिए विशाल और दिव्या ने अमन के दादाजी की मदद से होटल राजमहल के अंदर दिलीप की मां सुमित्रा देवी को बुला लिया, मगर इसके बाद भी चीजें इतनी आसान नहीं हैं जितनी उन्हें लग रही हैं। होटल आते ही सुमित्रा देवी ने ये कहकर सब लोगों को चौंका दिया कि उन्होंने दिलीप को किसी तरह का कोई आदेश नहीं दिया, बल्कि दिलीप एक मानसिक रोगी है जो अपनी मां के गुजरने के बाद उनसे जुड़ी हुई मनगढ़ंत कहानियां बनाता रहा और उनकी कहानियों की वजह से उसके पूरे परिवार की जान चली गई। सुमित्रा देवी की बातें सुनकर घर के सब लोगों की आंखों में आंसू आ गए। उन सब लोगों ने दिलीप की बात मानकर अपने आप को फांसी के फंदे पर लटका दिया था, मगर उनमें से कोई भी मरना नहीं चाहता था। मां, मुझे माफ कर दो मां, आपके जाने के बाद मैं अधूरा हो गया। मां, मैं अधूरा हो गया था। सिर्फ इतना ही नहीं, मैंने तो अपने पूरे परिवार को मार डाला। इतना कहकर दिलीप फूट फूट कर रोने लगा। दिव्या और विशाल भी हैरानी से ये सब कुछ देख रहे हैं। ये सब देखकर उनके दिलों को भी बेहद तकलीफ हो रही है कि एक इंसान की मानसिक हालत की वजह से एक पूरा का पूरा घर उजड़ गया। दिलीप को रोते हुए देखकर सुमित्रा देवी उसके पास गई और उसके सर पर हाथ रखते हुए कहा, जो होना था वो हो गया बेटा, मगर सब कुछ अभी खत्म नहीं हुआ है। तुम चाहो तो अब भी अपनी गलतियों को सुधार सकते हो। अपने परिवार को मुक्ति दिलाओ बेटा, मेरे साथ चलो। इतना कहकर सुमित्रा देवी ने अपना हाथ दिलीप की तरफ बढ़ाया। दिलीप ने अपनी रोती हुई आंखों से सुमित्रा की तरफ देखा और तुरंत उसका हाथ पकड़ लिया। तभी उसने पीछे मुड़कर अपने पूरे परिवार की तरफ देखा, जो लोग रोते रोते उनके पीछे पीछे चल रहे हैं। इन सब लोगों की आंखों में आंसू हैं, मगर आज उनके चेहरों पर एक सुकून भी है, मुक्ति का सुकून जो हर आत्मा चाहती है। तभी अचानक से होटल राजमहल के दरवाजे अपने आप खुल गए और एक तेज रोशनी दरवाजे से होती हुई अंदर आ गई। वो सब लोग एक साथ उस तेज रोशनी की तरफ बढ़ने लगे, मगर जाने से पहले सुमित्रा देवी ने अचानक से पीछे मुड़कर दिव्या और विशाल की तरफ देखकर कहा, मेरे परिवार की मुक्ति के बारे में सोचने के लिए तुम दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद बेटा। इतने सालों के बाद हम सब लोगों को मिलाने के लिए मैं तुम्हारी बेहद शुक्रगुजार हूं। तुम्हारे द्वारा कम से कम मेरे बेटे को समझ आई और आज मेरा पूरा परिवार एक साथ इस धरती के बंधनों से मुक्त हो रहा है। इसके बाद उन्होंने अमन के दादाजी की तरफ देखा और उनसे कहा, मुझे यहां पर लाने में आपका जो भी सहयोग रहा उसके लिए मैं आपकी भी बेहद शुक्रगुजार हूं। मैं उम्मीद करती हूं कि आप सब लोग कुशल मंगल से रहेंगे और आप लोगों के जीवन में खुशियां ही खुशियां होंगी। ये कहते हुए सुमित्रा देवी के चेहरे पर एक सुकून भरी मुस्कान है। उनकी बात सुनकर दिव्या और विशाल की आंखें भी नम हो गई। उन्होंने आज से पहले कभी इस तरह की कोई चीज होटल राजमहल में नहीं देखी थी। देखते ही देखते वो सब लोग उस तेज रोशनी में गायब हो गए और पीछे रह गई तो बस एक शांति। उन सब लोगों के वहां से जाने के बाद दिव्या और विशाल के चेहरे पर एक सुकून है। वो दोनों काफी थके हुए हैं और उनके शरीर पर लगी हुई चोट की वजह से वो काफी दर्द में भी हैं, मगर उन्हें इस बात की खुशी है कि उनकी वजह से तोमर परिवार के सब लोगों को मुक्ति मिल गई। विशाल ने थकी हुई आंखों से दिव्या की तरफ देखा। विशाल के साथ साथ दिव्या के शरीर पर भी काफी जख्मों के निशान हैं। उसने प्यार से दिव्या के गाल पर हाथ रखा और पूछा, क्या तुम ठीक हो दिव्या? मुझे माफ करना, मेरी वजह से तुम्हें इतनी चोट लगी और तुम इतनी तकलीफ में हो। दिव्या ने तुरंत विशाल के होठों पर अपनी उंगली रख दी और उससे कहा, मैं तो बहुत डर गई थी विशाल, मुझे लगा था कि वो दिलीप आज तुम्हें मार ही डालेगा। मैं इस तरह से तुम्हें मरते हुए नहीं देख सकती थी विशाल, मगर मैं बेबस थी,
मैं चाहकर भी कुछ नहीं कर पाई, मुझे माफ कर दो। इतना कहकर दिव्या ने मल्लिका की तरफ देखा और कहा, अगर आज मल्लिका जी नहीं होती तो पता नहीं तुम्हारे साथ क्या होता। विशाल ने काफी मुश्किल से मल्लिका की तरफ देखा। मल्लिका अब एक बार फिर अपने पुराने रूप में आ चुकी है। वो एक बार फिर से काफी मदहोश और सुंदर हो चुकी है। उसकी तरफ देखकर विशाल ने कहा, आज आपने मेरे लिए जो कुछ भी किया है उसके लिए थैंक यू सो मच मैम। मैं आपका जितना भी शुक्रिया अदा करूं वो कम है। विशाल की बात सुनकर मल्लिका के चेहरे पर एक बेहद बड़ी मुस्कान आ गई और उसने प्यार से विशाल की तरफ देखते हुए कहा, मैं तुम्हें इतनी जल्दी मरने कैसे दे सकती हूँ विशाल। आखिर जो भी हो, अभी तुम्हें इस होटल राजमहल की सारी आत्माओं को मुक्ति दिलानी है। और सिर्फ इतना ही नहीं, मेरा भी तो तुम्हारे बिना यहाँ मन नहीं लगेगा। तुम्हारे बिना सब कुछ बिल्कुल सूना सूना लगता है। मल्लिका की बातें सुनकर विशाल और दिव्या ने अपना चेहरा नीचे झुका लिया मगर कुछ नहीं कहा। आखिर में मल्लिका ने दिव्या की तरफ देखकर कहा, अब तो तुम्हें पता चल गया होगा ना विशाल कि कौन तुम्हारे काम आ सकता है और कौन चुपचाप खड़े होकर तमाशा देख सकता है। तुम चाहो तो अब भी अपने मन को समझा सकते हो, बाकी तुम्हारी मर्जी है। इतना कहकर मल्लिका जोर जोर से हंसने लगी और उसकी हंसी पूरे होटल राजमहल में गूंज उठी। मल्लिका की बात सुनकर दिव्या समझ गई थी कि उसके दिमाग में क्या चल रहा है, मगर फिर भी उसने चुप रहना बेहतर समझा। आज मल्लिका की वजह से विशाल सही सलामत उसके सामने खड़ा है और दिव्या के लिए इससे बड़ी और कोई बात नहीं है। चाहे वो कोई भी क्यों ना हो, आपने अपने फायदे के लिए ही मेरी जान क्यों ना बचाई हो, मगर आज आपकी वजह से ही मैं जिंदा हूं, इसलिए थैंक यू सो मच मैम। आपका ये मुझ पर एहसान रहा। देख लो विशाल, एहसान भी सोच समझ कर लेना। तुम तो पहले से ही मेरे गुलाम थे, मगर अब तुम्हारी जिंदगी भी मेरी गुलाम बन चुकी है। अब तुम्हारी मौत और जिंदगी दोनों पर सिर्फ मेरा हक होगा। इतना कहते हुए मल्लिका के चेहरे पर एक अजीब सी चमक नजर आने लगी, जिसे देखकर विशाल एक पल के लिए हैरान रह गया। दिव्या और विशाल हैरानी से मल्लिका के चेहरे की तरफ एक तक देखने लगे। उन्हें समझ में नहीं आ रहा कि मल्लिका उनसे क्या कहने की कोशिश कर रही है। इससे पहले कि वो मल्लिका से कुछ पूछ पाते, अचानक से घड़ी में 3:30 बजने का इशारा होता है और पूरा होटल राजमहल आग के लपटों से फिर एक बार घिरने लग जाता है। ये देखकर दिव्या और विशाल काफी घबरा जाते हैं और दिव्या तुरंत विशाल को सहारा देकर उठाने की कोशिश करने लगती है। चलो विशाल, हमें जल्द से जल्द यहाँ से निकलना होगा, नहीं तो ये आग हमें जीते जी निकल जाएगी। हाँ हाँ विशाल, जल्दी जाओ, अगर तुम इस आग में जलकर मर गए तो मेरा क्या होगा। मल्लिका जोर जोर से हंसने लगी और दूसरी तरफ दिव्या विशाल को सहारा देते हुए वहां से भागने की कोशिश करने लगी। विशाल को काफी चोट लगी हुई है और वो ठीक से चल भी नहीं पा रहा। उसके सिर से खून बह रहा है और उसके हाथों और पैरों पर भी गहरे जख्म हैं। दिव्या और विशाल ने होटल राजमहल से बाहर निकलते हुए एक बार भी पीछे मुड़कर नहीं देखा, मगर मल्लिका की वो डरावनी हंसी तेज होती जा रही है और उनके कानों से होती हुई उनकी रूह तक पहुंच रही है। जैसे ही वो दोनों होटल राजमहल से बाहर निकले, तभी उनके पीछे पूरा होटल जलकर राख हो गया। विशाल थक कर हाफते हुए नीचे जमीन पर गिर गया। उसे ऐसा लग रहा है जैसे उसके अंदर बिल्कुल भी जान न बची हो। विशाल! दिव्या ने तुरंत आगे बढ़कर उसे संभाला। तुम्हें आज काफी चोट आ गई है, हमें जल्द से जल्द हॉस्पिटल जाना होगा। दिव्या ने परेशान होते हुए कहा। नहीं, मुझे घर ले चलो, मैं वहां पर ही ठीक हो जाऊंगा। विशाल ने मुश्किल से कहने की कोशिश की, मगर दिव्या ने तुरंत उसकी बात काटते हुए कहा, नहीं, अब मैं तुम्हारी एक नहीं सुनने वाली, चलो अब चुपचाप हॉस्पिटल चलो। इतना कहकर दिव्या ने विशाल को उसके कंधों से सहारा देते हुए उठाया और सीधा हॉस्पिटल ले गई।
हॉस्पिटल में विशाल की मरहम पट्टी करवाने के बाद वो उसे संभालते हुए मल्लिका के घर ले आई। अब तुम्हें सिर्फ आराम करना है और टाइम से अपनी दवाइयां लेनी है, दिव्या ने विशाल के सर के नीचे तकिया ठीक करते हुए कहा। नहीं नहीं, मैं ये कड़वी दवाइयां नहीं खा सकता, मुझे ये बिल्कुल भी नहीं पसंद, विशाल ने अजीब सा मुंह बनाते हुए कहा। अब तुम्हारी ये बहाने मेरे सामने नहीं चलेंगे, तुम्हें दवाई तो लेनी ही होगी, बस बात खत्म। अभी अपनी दिन की दवाई ले लो और फिर आराम से सो जाना। इतना कहते ही उसने पास के टेबल पर रखा हुआ पानी का ग्लास उठाया और विशाल की दवाई निकाल ली। मगर उसी वक्त उन्हें बाहर से निकिता के चिल्लाने की आवाजें आई। विशाल, विशाल, कहाँ हो तुम विशाल? इतना कहते हुए वो अंदर आ गई और जब उसने विशाल को उस हालत में बिस्तर पर लेटे हुए देखा तो उसकी आंखें खुली की खुली रह गई। वो दिव्या को एक तरफ धक्का मारती हुई तुरंत विशाल के बिस्तर के पास आकर खड़ी हो गई और घबराते हुए उससे कहा, ओह माय गॉड विशाल, ओह नो, ये सब क्या हो गया, क्या हो गया ये सब, ओह नो, तुम्हें तो बहुत दर्द हो रहा होगा ना। निकिता को इस हालत में देखकर दिव्या ने मुंह बनाते हुए उसकी तरफ देखा और चिढ़ते हुए कहा, ये सब ड्रामा करने की कोई जरूरत नहीं है तुम्हें, मैं हॉस्पिटल से विशाल की ट्रीटमेंट करवा चुकी हूँ और अब उसे दवाई दे रही हूँ। इतना कहकर दिव्या ने विशाल को दवाई देने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाया, मगर निकिता ने तुरंत उसके हाथ से वो दवाई छीन ली और विशाल को सहारा देकर बिठाने की कोशिश करने लगी। लो विशाल, अपनी दवाई ले लो, तुम्हें जल्दी से ठीक भी तो होना है ना, मैं तुम्हें इस तरह से परेशान नहीं देख सकती, निकिता ने विशाल को पानी का ग्लास देते हुए कहा। विशाल ने एक नजर दिव्या के ऊपर डाली जिसका चेहरा निकिता के इस बर्ताव के कारण उतर गया है, मगर इस सब के बाद भी वो बिल्कुल चुप रही। दिव्या ने अपने आप को संभालते हुए कहा, निकिता चलो अब हम विशाल को आराम करने देते हैं, वैसे भी उसके लिए कल रात काफी थकाने वाली रही है। हाँ विशाल, तुम आराम करो और किसी भी चीज की जरूरत हो तो मुझे बुला लेना, मैं यहाँ तुम्हारे पास वाले कमरे में ही हूँ, निकिता ने विशाल से कहा। उसके बाद वो दोनों वहां से चले गए। कहने को तो दिव्या काफी थकी हुई है और अपने कमरे में सोने की कोशिश कर रही है, मगर नींद उसकी आंखों से कोसों दूर है। उसके दिमाग में वही सब चल रहा है जो कल रात हुआ था। कल अगर मल्लिका को आने में थोड़ी भी देर हो जाती तो वो हमेशा हमेशा के लिए विशाल को खो देती। वो अपने बुरे से बुरे सपने में भी नहीं सोच सकती कि विशाल के बिना उसकी जिंदगी कैसी हो सकती है। वो विशाल के बिना अपनी जिंदगी की कल्पना भी नहीं कर सकती है। वहीं रात के 10 बजे दिव्या विशाल को उठाने के लिए उसके कमरे में गई, मगर जैसे ही उसने दरवाजा खोला तो देखा कि निकिता विशाल के बिस्तर पर उसके पास ही लेटी हुई है और सो रही है। ये देखकर दिव्या के तन मन में आग लग गई और वो बेहद नाराज हो गई, मगर फिर भी उसने निकिता से कुछ नहीं कहा। विशाल की तबीयत खराब है और ऐसे मौके पर दिव्या कोई बेकार का तमाशा खड़ा नहीं करना चाहती। एक बार जब विशाल पूरी तरह से ठीक हो जाएगा तब वो निकिता को धक्के मारकर घर से बाहर निकलवा देगी। वो धीरे से विशाल के पास गई और उसे उठाते हुए कहा, चलो विशाल, हमें होटल राजमहल जाने के लिए तैयार भी होना है, रात के 11 बजने ही वाले हैं। दिव्या की आवाज सुनते ही विशाल और निकिता दोनों की आंख खुल गई। विशाल निकिता को अपने पास बिस्तर पर देखकर बहुत हैरान हो गया और उसने निकिता से पूछा, तुम यहां क्या कर रही हो? मुझे तुम्हारी बहुत चिंता हो रही थी विशाल, मुझे लगा कि कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हें किसी चीज की जरूरत पड़े और मैं सोती ही रह जाऊं, इसीलिए मैं यहां तुम्हारे पास आ गई। निकिता की बात सुनकर विशाल ने दिव्या का चेहरा देखा जो गुस्से से पूरी तरह से लाल हो चुका है। वो तो अच्छा है कि इस वक्त विशाल की तबीयत खराब है, नहीं तो ना जाने दिव्या उसका क्या हाल करती। अच्छा अब ये सब बातें छोड़ो और जल्दी से उठकर अपनी दवाई ले लो और तैयार हो जाओ, हमें होटल राजमहल भी चलना है, दिव्या ने बात को घुमाते हुए कहा। कुछ ही देर में रात के 11 बज गए और दिव्या और विशाल को अचानक से चक्कर आने लगे। उनकी आंखों के आगे अंधेरा छाने लगा और कुछ पल के बाद जैसे ही उनकी आंखें खुली तो वो दोनों होटल राजमहल के अंदर हैं। आज होटल राजमहल के अंदर
एक गहरा सन्नाटा पसरा हुआ है। इस सन्नाटे को देखकर कोई भी नहीं बता सकता कि कल रात को यहां पर एक दुष्ट आत्मा ने विशाल और दिव्या के साथ क्या क्या किया है। चलो अंदर चलते हैं। दिव्या ने विशाल को उसके कंधों से सहारा देते हुए अंदर ले जाकर रिसेप्शन डेस्क की चेयर पर बिठा दिया। अगर यहां आना उनकी मजबूरी नहीं होती तो वो कभी भी इस हालत में विशाल को होटल राजमहल लेकर नहीं आती। उन्हें अंदर आए हुए काफी वक्त हो गया मगर आज रात होटल राजमहल में कुछ भी नहीं हो रहा है। इसी इंतजार में और दवाइयों के असर की वजह से विशाल की आंख लग गई और वो टेबल पर सर रखकर गहरी नींद में सो गया। दिव्या शांति से उसे इसी तरह सुकून में सोते हुए देखती रही। तभी अचानक से उसे किसी की पायलों की छन छन की आवाज सुनाई दी। दिव्या ने अपने आसपास देखा मगर उसे कोई भी नजर नहीं आ रहा है। वहां पर सिर्फ वो आवाज है, ऐसी आवाज जो उसे अपने पीछे आने पर मजबूर कर रही है। दिव्या ने एक नजर विशाल के ऊपर डाली जो गहरी नींद में सोया हुआ है। उसे सोता हुआ देखकर दिव्या ने उसे जगाना ठीक नहीं समझा और खुद ही उठकर उस आवाज के पीछे पीछे जाने लगी। उस आवाज के पीछे पीछे जाकर दिव्या ने जो देखा उसे देखकर उसके होश उड़ गए। उसकी आंखें खुली की खुली रह गई और उसकी धड़कन काफी ज्यादा बढ़ गई क्योंकि उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा कि उसके सामने सच में वही खड़ी है। तो क्या होगा इस कहानी में आगे? आखिर दिव्या ने ऐसा क्या देखा जिसे देखकर उसकी आंखें फटी की फटी रह गई? क्या होटल राजमहल में कोई नई अनहोनी तो नहीं होने वाली? क्या विशाल और दिव्या इस आने वाली मुसीबत का सामना कर पाएंगे या वे इस आत्माओं की दुनिया में ही फंसे रह जाएंगे? जानने के लिए सुनते रहिए होटल राजमहल।